हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको अपस्टॉक्स के रेफर एंड अर्न प्रोग्राम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो देने वाला हूँ, जिसके थ्रू गाइज आप इजीली एक अच्छा खासा जो अमाउंट है वो अर्न कर सकते हो एंड इजीली अपने बैंक अकाउंट में भी जो है वो विदड्रॉ कर सकते हो। इस वीडियो में गाइज मैं आपको सारी चीज़ें तीन पार्ट में बताऊंगा, जिसमें फर्स्ट पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप जो है वो रेफरल की प्रोसेस कर सकते हो। सेकेंडली, अगर सपोज आपने कोई एक सक्सेसफुल रेफर कर लिया तो फिर आपको जो पैसे वो कहाँ पे देखने को मिलेंगे एंड कैसे आप इसे अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर पाओगे, ये मैं आपको बताऊंगा। एंड थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करना है एंड क्या चीज़ों से आपको जो है वो सेफ रहना है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो ध्यान से देखना, ताकि आपको सारी जो चीज़ें हैं वो समझ में आ जाए एंड इस फीचर का आप जो है वो बेनिफिट ले पाओ। तो अपस्टॉक के रेफर एंड अर्न प्रोग्राम में गाइस अपस्टॉक्स अपने यूजर्स को एक रेफर एंड अर्न का जो ऑप्शन है वो देता है, जिसके थ्रू गाइज अगर सपोज आप किसी को भी अपस्टॉक रेफर करते हो एंड आपके लिंक के थ्रू अगर कोई भी आगे वाला पर्सन अपना अकाउंट ओपन करता है तो इसका रिवॉर्ड गाइज आपको मिलता है, जो कि कैश रिवॉर्ड होता है एंड इजीली उसे आप जो है वो विड्रॉ कर सकते हो। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको जो प्रोसेस है वो बताता हूँ। तो इसका जो बेनिफिट है गाइज वो बस अपस्टॉक्स यूजर्स को ही मिलता है, तो इसके लिए गाइज आपका अपस्टॉक का जो अकाउंट है वो रहना चाहिए एंड आपको उसमें रेफर एंड अर्न का जो ऑप्शन है वो दिखना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका अकाउंट है तो बहुत बढ़िया, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। वहाँ से करोगे तो गाइज इजीली आपको रेफर एंड अर्न का जो ऑप्शन है वो अपने इसमें देखने को मिल जाएगा। अकाउंट सक्सेसफुली अगर आपका ओपन हो जाता है तो फिर गाइज अपनी अपस्टॉक की जो ऐप है वो ओपन कर लेना। ऐप ओपन करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कुछ ऐसा, इस ऑप्शन पे आपको जो है वो क्लिक करना पड़ेगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको रेफर एंड अर्न का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर फिर आपको जो है वो क्लिक करना है। जैसे गाइज मैंने आपको बताया कि आपको एक जो लिंक है वो शेयर करना पड़ेगा एंड उस लिंक से अगर आगे वाला पर्सन अकाउंट ओपन करता है अपस्टॉक में तो ही आपको जो है वो रेफरल अमाउंट जो है वो मिलेगा। तो आप ये जो लिंक है वो वेरियस प्लेटफॉर्म्स में भेज सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे शेयर करना है, मीन्स सेकेंड पर्सन को व्हाट्सएप पे शेयर करना है, तो डायरेक्ट आप इस पर क्लिक कर सकते हो एंड व्हाट्सएप पे जो है वो भेज सकते हो। व्हाट्सएप के अलावा अगर आपको टेक्स्ट मैसेज करना है या फिर और कोई प्लेटफॉर्म पे लिंक भेजना है तो आप इसका यूज़ करके भी जो लिंक है वो भेज सकते हो, ठीक है। लिंक जैसे गाइज आप सेंड करोगे तो सेकंड पर्सन को लिंक जब जाएगी तो कुछ ऐसी दिखेगी, उस लिंक के ऊपर जो है वो सेकंड पर्सन को जो है वो क्लिक करना पड़ेगा एंड अपना जो अपस्टॉक का अकाउंट है वो ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो अपना अकाउंट 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो ओपन कर लेता है तो आपको गाइज इसके जो बेनिफिट्स है वो मिलेंगे एंड आपको अपने लॉगिन में जो है वो जो रेफरल अमाउंट है वो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस लिंक के ऊपर सिंपली उसे अपना जो अकाउंट है वो ओपन करना पड़ेगा एंड सपोज अगर उसका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली ओपन हो जाता है तो ही गाइज आपको जो है वो रिवॉर्ड मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इस लिंक के ऊपर क्लिक किया, हल्का सा लॉगिन किया एंड आगे की प्रोसेस नहीं की तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। जब तक अगर उसका सक्सेसफुल अकाउंट ओपन नहीं होता है तब तक आपको जो अमाउंट है वो नहीं मिलेगा। अगर उसका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो जाता है तो आपको गाइज जो रेफरल अमाउंट है वो मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो रेफरल अमाउंट है ये आता कहाँ पे है एंड कैसे आप इसे विड्रॉ कर सकते हो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सपोज़ करते हैं आपने सक्सेसफुली किसी को रेफ़र कर दिया एंड उस रेफरल लिंक से उस पर्सन ने अकाउंट भी ओपन कर लिया सक्सेसफुल, अकाउंट अगर उसका ओपन हो गया तो आपको जो रेफरल रिवॉर्ड्स है वो देखने को मिलेंगे। रिवॉर्ड्स गाइज देखने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेम रेफर एंड अर्न पे क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यूअर अर्निंग्स एंड रेफरल्स के ऊपर आपको जो है वो करना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आपको कितना जो रेफरल अमाउंट है वो मिला है, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है जैसे आप देख सकते हो, गेट रिवॉर्ड्स वर्थ 300 रुपीज़ फ्रॉम योर रेफरल्स, तो ये जो है वो चेंज होता है। अभी के टाइम जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो पर रेफरल आपको जो है वो 300 रुपीज़ जो है वो मिलेंगे, बट ये जो अमाउंट है ये कभी 500-600 भी जो है वो जाता है, तो ये फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है, बढ़ते भी रहता है कम भी होते रहता है। तो अभी 300 रुपीज़ पर रेफरल है। तो जैसे गाइज आपका किसी का भी सक्सेसफुल रेफरल हो जाता है एंड वो सक्सेसफुली अकाउंट ओपन करता है तो यहाँ पे आपको रिवॉर्ड वॉलेट में अपने जो पैसे वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर सपोज़ किसी पर्सन को आपने रेफ़र किया एंड उसने अकाउंट ओपन किया तो यहाँ पे आपको वो पेंडिंग रेफरल्स में जो है वो देखने को मिलेगा, यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। एंड अगर सपोज़ उसने सक्सेसफुली ओपन कर लिया तो 2-3 दिन में फिर आपको जो रिवॉर्ड है वो अपने लॉगिन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो रिवॉर्ड वॉलेट्स में आपका जो भी अमाउंट आपने रेफरल से कमाया होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे मेरे इसमें यहाँ पे 4,500 रुपये जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये जो एरो मिलेगा उसके ऊपर क्लिक कर लेना। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी आपने रेफ़र किए होंगे उनके जो नाम है वो आपको देखने को मिल रहे होंगे एंड उनसे जितना भी अमाउंट मिल रहा होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उन्होंने कब अकाउंट ओपन किया उनका यहाँ पे नाम भी आपको देखने को मिलेगा एंड कितने बजे कितने तारीख को उन्होंने अकाउंट ओपन किया वो भी आपको जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
अब गाइस पैसे को विदड्रॉ करने के लिए यहाँ पे आपको विदड्रॉ रिवॉर्ड्स का एक जो ऑप्शन है वो मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी अमाउंट आपको विदड्रॉ करना है वो आप कर सकते हो। जैसे मेरे अकाउंट में यहाँ पे अभी वॉलेट में 4,500 रुपये विदड्रॉ के जो रिवॉर्ड्स है वो मुझे मिले। अब इसमें से मुझे जितना भी अमाउंट निकालना है वो मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। मिनिमम आप जो है वो 100 रुपीज़ या फिर 100 से ज़्यादा ही जो है वो निकाल पाओगे, ठीक है। 100 से नीचे जो है वो आप नहीं निकाल सकते हो। एंड पर रेफरल 300 रुपीज़ आपको मिलेंगे, तो ईजिली आप जो है वो एक ही टाइम पर निकाल सकते हो, ठीक है। तो जो भी अमाउंट आपको चाहिए यहाँ पर आप जो है वो डाल दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे 1,000 रुपीज़ डाला था। 1,000 रुपीज़ डालने के बाद फिर कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका बैंक अकाउंट उससे लिंक होगा तो उस बैंक अकाउंट में गाइज आपको 2-3 दिन में जो पैसे है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा कुछ आएगा, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद गाइज आप देख सकते हो विदड्रॉइंग यूअर फंड्स नाउ ऐसा आएगा। एंड डन पे क्लिक कर देना, आपको टेक्स्ट मैसेज आएगा कि यूअर विदड्रॉल रिक्वेस्ट हैज़ बीन प्लेस्ड, द अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू यूअर रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट विद इन 3 वर्किंग डेज, ठीक है। तो 3 वर्किंग डेज में आपका जो भी विदड्रॉ अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में आएगा। जनरली 1-2 दिन में ही जो है गाइस जो अमाउंट है वो क्रेडिट हो जाता है, एंड फिर आप उसका जैसे यूज़ करना है वो यूज़ जो है वो कर सकते हो, ठीक है। एंड ये पूरी जो प्रोसेस है गाइस वो रियल है। मैंने ऐसे करके काफ़ी सारे जो रिवॉर्ड्स है अपने फ्रेंड्स में, जब मैं हॉस्टल में रहता था तो काफ़ी सारे लोगों को रेफर करके एक अच्छा खासा जो अमाउंट है वो अर्न किया था। एंड ये अमाउंट भी आप जो है वो यहाँ पे देख सकते हो, 4,500 रुपीज़ जो है मेरे पास थे, तो मैंने उसमें से 1,000 रुपीज़ जो है वो भी विदड्रॉ कर लिए, ठीक है। विदड्रॉ करते हो तो वो भी ईजिली आपके जो है वो लिंक्ड बैंक अकाउंट में जो है वो आ जाता है। जब आप अकाउंट बनाते हो तो उसमें आपको जो बैंक अकाउंट जो है वो लिंक करना पड़ता है, तो उसमें इजीली जो है वो अमाउंट जो है वो आ जाता है, ठीक है। अब गाइज आपके मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे कि क्या ये प्रोसेस रियल है, फेक है, क्या इससे आपको कोई प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें, तो इसके ऊपर भी मैं आपको सारी जो चीज़ है वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो गाइज आपके मन में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये रियल है या फिर फेक है। तो गाइज ये देखो बिल्कुल रियल है। अगर आप किसी को रेफर करते हो वो अकाउंट ओपन करता है 7 दिन के अंदर, सक्सेसफुल अकाउंट ओपन हो जाता है तो आपको पैसे मिलेंगे, नहीं करता है तो फिर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। सिंपल सी प्रोसेस है, इसमें कोई रिस्क या फिर कोई भी चीज नहीं है जिसके थ्रू आपको प्रॉब्लम होगा या फिर पैसा डूबेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो मेरी जितनी भी ऑडियंस है वो जनरली स्टूडेंट्स की है, तो मैं आपको कुछ और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बता देता हूँ, ठीक है। अभी देखो गाइस जो स्टॉक मार्केट है ये बहुत हाइप्ड है, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी सारे इन्फ्लुएंस वीडियो डालते हैं कि ऊपर जा रहा है, मैंने लगा दिए 5,000 के 10,000 हो गए, तो ऐसे बिल्कुल नहीं होता है, कभी होता ही नहीं है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिकली स्टॉक मार्केट के बारे में चीज़ें सीखोगे तो कोई भी जो अच्छा इन्फ्लुएंसर है वो आपको कभी ये नहीं बोलेगा कि आप एक दिन में पैसा डबल कर सकते हो या फिर ऐसी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। ये इससे रिलेटेड नहीं है, मैं तब भी आपको बता रहा हूँ ताकि आप पहले से ही अवेयर रहो, बिकॉज जब आप कॉलेजेस में जाओगे कोई ना कोई एक तो स्टूडेंट आपको मिलेगा जो कि स्टॉक मार्केट में जो है वो काम करेगा एंड आपको अपने प्रॉफिट्स के बारे में जो है वो बताएगा, ठीक है। तो पहले जो है वो सुन लो ताकि अवेयर रहो। तो देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने इतना पैसा डाला उतना मुझे जो है वो मिल गया, या फिर मैं 5,000 डालता हूँ तो मेरे को डेली 2,000-3,000 रुपये जो है वो मिल जाते हैं, जिससे मैं मेरी पॉकेट मनी एंड बाकी सारे जो खर्चे वगैरह जो है वो निकाल लेता हूँ, ठीक है। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करोगे या फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर जो भी सेबी होते हैं जो कि स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करते हैं, वो खुद बताते हैं कि 99% लोग जो है वो स्टॉक मार्केट में लॉस लेके चलते हैं अगर वो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। तो बस 1% लोगों के जो प्रॉफिट्स है वो होते हैं। तो जब भी कोई आपको पूछ रहा हो या फिर बता रहा हो कि देख भाई मैं स्टॉक मार्केट में इतना कमा रहा हूँ, तो सीधा उसको पूछना कि तेरा प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टेटमेंट है वो मुझे दिखा दे, ठीक है। जनरली आपको उनमें जो है वो लॉस ही देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड अगर आपको कोई बोलता भी है कि यार स्टॉक मार्केट में आ जा, यहाँ पे बहुत पैसा है, बहुत ईजिली तू कमा सकता है, ईजिली तू फीस वगैरह जो है वो भर सकता है, तो अगर आपको जाना है तो बिल्कुल जा सकते हो, ठीक है। इसमें बहुत अर्निंग आप कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है। बट अगर आप कोई भी चीज़ करोगे तो मैं आपको बस एक ही सजेशन दूंगा, अगर आप वो चीज़ कर रहे हो तो उसके पीछे जो भी लर्निंग्स लगती है वो गाइस ज़रूर सीखना। वो लर्निंग्स अगर आप सीखोगे तो स्टॉक मार्केट में भी आप अपना जो करियर है वो अच्छा खासा बना सकते हो। बट अगर आप लर्निंग्स नहीं ले रहे हो, आप डायरेक्ट किसी के रेफरल के थ्रू अगर वो बोल रहा है कि ये ले ले वो ले ले एंड उसके थ्रू अगर आप कर रहे हो, तो उसके थ्रू अगर आपको प्रॉफिट भी होगा तब भी आपको वो जो सेलिब्रेशन की वाइब है वो नहीं आएगी, एंड जब लॉस होगा तो बहुत ज़्यादा जो दुख है वो होगा, ठीक है। तो जब भी अगर आप स्टॉक मार्केट में जाओगे तो ट्राई करना पहले सारी जो चीज़ है वो सीख लो, बेसिक्स जो है वो सीख लो, एंड उसके बाद अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट करो। एंड अगर आपको इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग स्टार्ट भी करना है तो थोड़े कम अमाउंट से जो है वो स्टार्ट करना। इन फ्यूचर अगर लॉस भी होते हैं तो ऐसे लॉस नहीं होना चाहिए जिसके थ्रू आपको टेंशन या फिर डिप्रेशन हो। अगर छोटा मोटा लॉस हो भी जाता है तो आपको ऐसा चीज़ें प्रॉब्लमेटिक जो है वो नहीं लगेगी, आपको सीख नहीं मिलेगी। बट पहली अगर आप एक बहुत बड़ा लॉस कर ले तो आपका जो करियर है स्टॉक मार्केट में उधर ही खत्म हो जाएगा, एंड आपको जो है वो प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप
इन्वेस्टिंग वगैरह करना चाहते हो या फिर स्टॉक मार्केट करना चाहते हो तो पहले उसकी इन्फॉर्मेशन लो एंड उसके बाद जो चीज़ है वो आप स्टार्ट कर सकते हो। ज़रूर आपके बेनिफिट्स हो सकते हैं, बट जब भी कोई चीज़ आप स्टार्ट करोगे तो पहले उसकी लर्निंग्स लेना एंड उसके बाद चीज़ें करना। कोई बोल रहा है कि यार यहाँ पर डाल दे वहाँ पर डाल दे उससे प्रॉफिट होगा, तो ऐसी चीज़ें मत करना। कॉलेज लाइफ में ये जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं कि जिनका प्रॉफिट तो होता है बट आगे जाके वो जो है वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। वो आपको अपने कॉलेज लाइफ में पता चल जाएगा, ठीक है। आपके साथ भी ये चीज़ें होगी। बस कोई भी चीज़ अगर कोई बता रहा है तो उसके ऊपर जो है वो यकीन मत करो। पहले आप चीज़ें देखो कि कैसे सारी जो चीज़ है वो वर्क होती है, उसके बाद करो तो आपका बेनिफिट ही होगा। एंड अगर लॉस भी होता है तो कम लॉस होगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। पहले से अगर आग बंद करके चीज़ें करने लगोगे तो फिर प्रॉब्लम भी होगा एंड लॉस भी होगा, तो आप मेंटली एंड फिजिकली भी जो है वो आपको सफ़र करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। बाकी चीज़ें तो जो है वो आपको पता ही है, आप भी धीरे धीरे सीखोगे ही। बट ये जो रेफर एंड अर्न का प्रोग्राम है इसमें ऐसा कुछ रिस्क नहीं है। आप जो है वो रेफर करके जो अमाउंट है वो विदड्रॉ करके अगर आपको इन फ्यूचर अकाउंट बंद करना है तो वो भी आप जो है वो कर सकते हो, ठीक है। एंड रेफर एंड अर्न से आप अच्छा खासा अमाउंट जो है वो निकाल भी सकते हो एंड इसमें आपको कोई इन्वेस्ट वगैरह करना नहीं है, तो आपको कोई जो लॉस वगैरह वो भी होने की जो है वो चांसेस नहीं रहेंगे, ठीक है। तो कैसी प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दी। अगर आपको अकाउंट कैसे ओपन करना है ये नहीं पता तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी, वहाँ से आप देख सकते हो। नीचे दी हुई लिंक से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, तो ईजिली आपको रेफर एंड अर्न का जो ऑप्शन है वो भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। होप्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि टाइम पर आपको ऐसी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे।